स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। सिर्फ 5 दिन नहीं राजकुमारी जी, पूरे 5 दिन बाकी हैं और इन 5 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। बस भगवान पे भरोसा रखिए। महाराज, दिल्ली से राजकवि चंद्रवरधाई पधार रहे हैं। महाराज जयचंद को कवि चंद्रवरदाई का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आइए कविराज, कन्नौज में कैसे आना हुआ? महाराज, पृथ्वीराज की ओर से स्वयंवर की बधाई देने आया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब जबकि आप यहाँ अपने महाराज की बधाई लेकर आ ही गए हैं तो राजकुमारी जी के स्वयंवर में जरूर रुकिएगा। फिर आप अपने महाराज को स्वयंवर में हुई सारी बातें बता सकेंगे। और हां कविराज, उन्हें ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों नहीं महाराज, बहुत नेक विचार है आपका। मेरे वर्णन से महाराज पृथ्वी को ऐसा लगेगा जैसे वे खुद दरबार में उपस्थित हैं, ठीक आपकी आंखों के सामने। बल्कि मेरे यहां होने का मतलब है उनका खुद यहां मौजूद होना। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा? तत्वागमन राजकवि चांदवरदाई को सम्मान के साथ मेहमान खाने में ले जाओ। तुम कौन हो? कन्हैया, राजकवि का खास सेवक। राजकवि, आप कुछ देर आराम करने के बाद अगर अपनी सुंदर कविताओं से हमारा और हमारे मेहमानों का दिल बहलाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बेहद खुशी होगी महाराज। और इसकी आपको आदत भी तो होगी, और आपके महाराज तो सारा दिन आपसे यही काम करवाते होंगे ना। सुना है कि आपके महाराज को कविताओं का बहुत शौक है। कविता सुनने से ज्यादा उन्हें तलवारबाजी करने का बहुत शौक है महाराज। नहीं करूंगी। फिर हमें अपनी जान देने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मेरे रहते आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो तुम क्या चाहती हो, हम स्वयंवर के दिन किसी और से शादी कर ले? हमने ऐसा तो नहीं कहा। बस अपने भगवान पे भरोसा रखिए, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। नहीं रूपाली, वो कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी करना हमें करना पड़ेगा। स्वयंवर में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए, और इन 5 दिनों में क्या हो सकता है रूपाली? सिर्फ 5 दिन नहीं राजकुमारी जी,
पूरे 5 दिन बाकी हैं और इन 5 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। बस भगवान पे भरोसा रखिए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.